पापा जी मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटे चले जाओ फिर। लेकिन पापा जी मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए मगर क्यों? तो कॉलेज जा रही है, कोई हंडे नहीं जा रही। पापा कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की से। अच्छा क्यों जरूरत नहीं है मुझे पैसे देने की? देख मैं बता रही हूँ, तू ना फालतू मत बोला कर और पापा इसे समझा दो, मेरे बीच में तो बिल्कुल ही ना बोले। अरे तो इससे क्यों मगजमारी कर रही है? अब तू भी चुप रह जा बेटे, मेरे कुर्ते की जेब में रखे पैसे, निकाल के ले जा कितने चाहिए तुझे। मगर पापा मगर क्या कर रहा है? मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, आया बड़े भारी मुझे रोकने वाला। अरे जा बेटा तू जा। अरे हम इसके लिए तो कमा रहे हैं, इसे ना देंगे तो किसे देंगे? मगर पापा तुम्हारा नहीं लाट पार किसी दिन इसे बिगाड़ देगा, तुमने ना इसे सर पे चढ़ा रखा है। अरे ऐसा कुछ ना है, मुझे अपनी बिटिया पर पूरा भरोसा है। और तू भी जा खेत में पानी चला ले जाके। जा जा रहा हूँ। और तुम भी अजी हो? आ जाऊंगा दोपहर के बाद। और आज पेटी में चलेगा पानी, ध्यान रखिए। ले ली मैंने आपके कुर्ते में से पापा पैसे। ठीक है बेटा जाओ फिर आए। अच्छा पापा मुझे एक बात बताओ, ऐसी मैंने क्या ही गलती कर दी जो भैया मुझे इतना डांटते हैं और मुझसे चिढ़ते भी हैं? अरे बेटा वो तेरे से चिढ़ता ना है, वो तो बड़ा प्यार करा है तेरे से, बस थोड़ा डरा है कहीं तो हमारे लाड प्यार में कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले और हमारी बदनामी ना हो जावे। ना पापा मैं ऐसा काम कभी ना करूंगी जो गाँव में तुम्हारी या भैया की कोई बदनामी हो। बेटा मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है। ठीक है अब मैं जाती हूँ पापा, पहले से लेट हो गई, भैया ने इतनी सुना दी मुझे। ठीक है बेटा जा। ठीक है संभल के जाइयो। हाँ पापा। ठीक है पापा बाय बाय। अरे बेटा मेरा चश्मा कहाँ रखा था? वो वहीं पे रखा तो है तुम्हारे कमरे में स्लिप पे। ठीक है बेटा ठीक है। पड़ोसी के बालक कैसे घूमते रहना हमारे घर में ये। आलोक मैं तुमसे ऐसे छुप छुप के कब तक मिलूंगी? तुम्हें पता है ऐसे छुप छुप के मिलते हुए हमें 2 साल हो गए और अब तो मुझे डर भी बहुत लगता है कि अगर किसी दिन भैया को पता चल गया तो मेरी वजह से तुम दोनों की दोस्ती में दरार ना आ जाए। अरे यार आरती ऐसा कुछ भी नहीं होगा, देखो भैया को कुछ भी पता नहीं चलेगा और कुछ दिन की तो बात है, कुछ दिन बाद हम शादी कर लेंगे। हाँ तुमने तो कह दिया कि कुछ पता नहीं चलेगा, तुम्हें पता है भैया मुझ पे ऐसे निगाह रखते हैं जैसे कि उन्हें कभी कभी तो मुझे लगता है उन्हें कुछ पता चल गया हो। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो फालतू में टेंशन ले रही हो। देखो ऐसी कोई बात नहीं है और तुम ना टेंशन मत लिया करो, मैं हूँ ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एक दिन मैं तुम्हारे घर पे जाकर ना तुम्हारे पापा से खुद बात करूंगा हमारी शादी की। चलो ठीक है अब मैं चलती हूँ वरना भैया पूछेंगे कि इतनी लेट कैसे हो गई। यार अभी तो आई थी और अभी जा रही हो, यार थोड़ी देर और रुक जाओ ना। कोई नहीं अभी चली जाती हूँ मैं, अगर कॉल पे बात कर लेंगे ना। चलो ठीक है मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। ना ना तुम मत जाओ, वैसे भैया को ये पता है कि तुम शहर में रहकर जॉब कर रहे हो और उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो बिना बात बातें बनाएंगे और। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, इसी बहाने मैं रोहित से भी मिल लूंगा। चलो आओ मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। लेकिन एक काम करना मैं आगे चली जाऊंगी, तुम बाद में आना मेरे घर। ओके बाबा अब चलो भी, क्योंकि मुझे भैया से ना बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है चलो तो सही। तो जल्दी जल्दी करो भी, कैसा हाथ चला रहे हो? दोपहर तक सारी ईंटें घेर में पहुंचनी है, ये मिस्त्री आने वाला है दोपहर तक आ जाएगा वो। आराम से भैया आराम से। नमस्ते पापा जी। अरे बेटा नमस्ते, आ गई तुम? हाँ पापा ये क्या करवा रहे हो तुम? अरे बेटा वो घेर में खुली चिन्नी थी ढोरों की तो ईंटें डलवा रहा हूँ वहाँ, अभी तक करा नहीं इन्होंने काम। अच्छा चल फिर तू हाथ मुंह धो ले, खाना लगा ले, दोनों वहाँ साथ ही खाएंगे। हैं मतलब अभी तुमने खाना ना खाया? अरे बेटा आरती मैंने सोचा लड़की आ जाएगी दोनों साथ में खा लेंगे। चलो ये भी ठीक है, वैसे पापा भैया कहाँ है? अकड़ू खेत पे गया, आने वाला वो भी। जा फटाफट तू खाना खा ले, आ रहा हूँ मैं भी। अरे थोड़ा जल्दी हाथ चला लो भाई, मिस्त्री आन बैठा हूँ वहाँ। अंकल नमस्ते। नमस्ते आलोक बेटा, अरे आज इतने दिन बाद अचानक। हाँ अंकल जी बस थोड़ी छुट्टियाँ पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा आपसे भी मिलता चलूँ। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। और कैसे हो? सब बढ़िया है बस तू बैठ। रोहित दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ पर है? अरे बेटा वो खेत पर गया, आने वाला ही है बस। तू बैठ। अच्छा बैठो आप बैठो।
अरे आरती बेटा दो गिलास पानी ले आइयो। और बताइए अंकल जी, आपका काम वाम कैसा चल रहा है? बस बेटा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तू बता। बस अंकल जी मेरा भी सब बढ़िया चल रहा है। और घर परिवार में सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया है। दो दिन की छुट्टी पड़ी थी तो मैं सोचा रोहित से और अंकल से मिलता ही चलूं। चले बेटा पानी ले ले। अंकल जी रोहित आया नहीं अभी तक, कहाँ पर रह गया? अरे बस आने वाला होगा, उससे मैंने बोला था यहाँ पानी चला दिया आज। अच्छा तो सुबह का गया हुआ, अभी तक तो आया ना। तो मैं ऐसा करता हूँ उससे खेत पर ही मिलाता हूँ, क्या पता उसको कितना टाइम लग जाए अभी आने में। अरे ना बेटा बस आने वाला होगा वो, ले आ लिया रोहित। अरे आलोक, अरे कैसा है भाई? बस मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है? बस बढ़िया, बड़े दिनों में दिखा है भाई। हाँ यार बस ड्यूटी में बिजी इतना हो जाता हूँ टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, पापा कुछ नाश्ता वास्ता कराया से नहीं? अरे बेटा तुम बैठ के बातें करो, मैं कुछ बनवाता हूँ खाने के लिए। ठीक ठीक, अब बैठ। यार बड़े दिनों में दिखाई दिया, कहाँ रह रहा है आजकल तू? अरे यार बस जो भी ऐसी लग गई, टाइम ही नहीं मिलता कहीं पर जाने का। हाँ भाई अब नौकरी वाला जो हो गया है तू। अरे नहीं यार, और तू बता क्या चल रहा है तेरा? बस अपना तो खेती बाड़ी चल रही है यार। अच्छा अच्छा, एक बात तो बता तू मुझे, शहर से कब आया तू? शहर से मैं आज सुबह ही आया था। अच्छा अच्छा, और मम्मी पापा ठीक है तेरे? हाँ सब बढ़िया है, बस चल सोचा तुझसे मिलता ही चलूं तो आ गया यार। ये तो बहुत अच्छा करा यार, ये अभी तक नाश्ता लेके नहीं आए। शादी वादी कब कर रहा है तू? शादी? हाँ अभी तो यार शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है, पहले तो हम छोटी की करेंगे। अच्छा तू ये तो बता तू कब कर रहा है अपनी शादी? अरे यार मैं थोड़ी ना करूंगा पहले शादी तो तू करेगा क्योंकि बड़ा तू है। अबे यार मैं अपनी शादी कैसे कर सकता हूँ, पहले हम आरती की शादी करेंगे क्योंकि तुझे पता है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो पहले मैं उसकी शादी करूंगा फिर अपनी शादी करूंगा। आरती की शादी? अरे लेकिन यार अभी तो वो बहुत छोटी है और इतनी जल्दी उसकी शादी? अबे वो पिछले महीने 18 की हुई है और तुझे पता है जैसी लड़की 18 की हो ना तो उसके हाथ पीले कर देनी चाहिए। ठीक है यार, चल मैं कुछ मंगवाता हूँ तेरे लिए, अभी नाश्ता लेके नहीं। अरे नहीं यार रहने दे, मैं चलता हूँ मुझे निकलना भी है। कुछ खा पी ले फिर चला जाइयो। अरे नहीं यार फिर कभी खा लूंगा। ठीक है चल, बस शाम को घर को मिलेगा ना? हाँ हाँ मिलूंगा। चल मैं फिर तेरे घर ही आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है चल। पापा, अरे वो गंदों की पर्ची आ गई थी एक बार देख लियो। मैं भी रखता हूँ। हेलो आलोक। हेलो, कैसी हो? मैं कैसी होंगी, देखो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ना अब तुमसे शादी करनी है क्योंकि यार जब से हम दोनों के बीच में वो सब हुआ है ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब नहीं रहा जाता मुझसे तुम्हारे बिना, बस ये मन करता है कि मैं तुम्हारे ही पास रहूं हमेशा तुम्हारे साथ। यार याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आती है, लेकिन मैं क्या करूं यार, मैं मजबूर हूं। अब बताओ यार कैसे करें हम शादी? मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे तुमसे शादी करनी है तो करनी है, देख लो अब तुम्हें क्या करना है। यार अच्छा आरती एक काम करो ना यार, हमारी शादी की बात तुम करो ना अपने घर पे। तुम पागल हो गए हो, मैं अपनी शादी की बात, भैया बड़े हैं कैसे कर सकती हूँ? यार प्लीज यार कुछ करो यार, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही तुम्हारे भैया से बात करने की, आखिरकार वो मेरा दोस्त है यार। एक काम करते हैं आलोक, मैं शादी की बात तो कर नहीं सकती अपने घर पे, क्यों ना हम भाग के शादी कर लें? क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है अगर हम भागेंगे तो उसमें पैसे चाहिए होंगे और मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, मैं कोई जॉब वॉब तो करता नहीं हूँ। बस इतनी सी बात, पैसों की टेंशन तुम मत लो, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी, बस तुम कुछ भी करके ना मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे बहुत याद आती है अब तुम्हारी, नहीं रहा जाता मुझसे। चलो फिर ठीक है, जब तुम ये सब बोल रही हो तो हम कल सुबह ही यहाँ से भाग चलते हैं। पक्का ना? हाँ पक्का। ठीक है बस तुम तैयार है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बाय बाय। मैंने आलोक से बोल तो दिया कि पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी, लेकिन मैं इतने सारे पैसे लेकर कहाँ से आऊंगी?
जो पापा ने मुझे कल रात को दिए थे ना 1,00,000 रुपए रखने के, वही ले जाऊंगी। पापा पापा उठो, पड़ गई ना तुम्हारे कलेजे को ठंडक। मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ। मैंने मना किया था उसे सर पे मत चढ़ाओ, लेकिन आज तुम्हारी इसी वजह से उसने हमारी नाक कटवा दी। पूरे गांव में हमारी थू थू हो रही है। अरे लेकिन हो क्या गया, बात क्या है? तुम्हारी लोंडिया भाग गई है। भाग गई है? रोहित ये सब क्या बोल रहा है तू? अरे हमारी आरती ऐसे कुछ नहीं कर सकती। आरती आरती, लेकिन वो भागी किसके साथ है? मेरा दोस्त नहीं है आलोक, उसके साथ। आलोक के साथ? वो दो कौड़ी का लड़का हमारी नाक के नीचे से हमारी बिटिया को भगा कर ले गया। पापा मैं भी सुबह सुबह खेत में से आ रहा था, पता है गांव के राम सिंह ने उन दोनों को भागते हुए देख लिया और उसी ने मुझे बताया। बेटा हमारी तो पूरे गांव में थू थू हो रही होगी। पापा बच्चे बच्चे को पता चल चुका है। आरती कितना भरोसा किया था हमने तुम पर और तुमने हमारी नाक कटवा दी। पापा मैंने तुमसे बोला था किसी सर पे मत चढ़ाओ, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। मैंने कहा था इसे कॉलेज रोज रोज नहीं भेजना। बेटा हम उससे प्यार करते थे, हमें ये नहीं पता था कि हमारा प्यार का सिला वो हमें इस तरह देगी। दे दिया ना? पता लगाओ उस लड़के का, पता लगाओ वो लड़का उसको लेकर कहाँ गया है। पापा मैं दोनों के नंबर बहुत बार लगा चुका हूँ, लेकिन दोनों के नंबर स्विच ऑफ जा रहे हैं। अब पता करूँ तो कैसे करूँ? तू एक काम कर, तू उन दोनों का नंबर सर्विस लाइन पर लगवा। मुझे कुछ भी करके शाम तक उन दोनों का पता चाहिए। सही कह रहे हो पापा, मेरे एक दोस्त भी है अरुण, वो इसी काम को करता है। मुझसे पता करता हूँ, जैसे वो फोन वोन ऑन करेंगे ना तो एकदम उसके पास मैसेज पहुंच जाएगा। तू फटाफट जा, तू उनका नंबर सर्विस लाइन पे लगवा बेटा, मुझे शाम तक कोई ना कोई अपडेट चाहिए। ठीक है पापा। आरती तुमने क्या किया बेटा, तुमको बख्शेंगे नहीं। पापा आओ। क्या हुआ? पापा आरती का पता चल चुका है। आरती का पता चल चुका है? कहाँ पर है वो दोनों? पापा मेरी अभी उससे बात हुई है और वो ना डर रही है। मैंने उससे बोला कि हम तेरी शादी आलोक से ही करा देंगे, बस तू घर आ जा, लेकिन वो तुमसे डर रही है, कहीं आप उसे मारो नहीं। तो पापा मैंने उससे बोला कि एक बार उससे आप बात कर लो। कॉल लगा? मेरे पापा होशियार हो गए। तो कॉल लगा, मैं बात करता हूँ उससे। बात करो। हेलो आरती बेटा। हेलो पापा, पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बेटा इस कोई बात नहीं, अब बच्चे तो बचपने में कदम उल्टे सीधे उठा ही देते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसे भागकर शादी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ पापा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी इस गलती के लिए, लेकिन पापा मैं आपसे कैसे कहती कि मैं आलोक को पसंद करती हूँ। बेटा आलोक अच्छा लड़का है, मैं भी उसे पसंद करता हूँ, कम से कम तुझे एक बार मुझसे तो बात करनी चाहिए थी। मैं तो खुशी खुशी तेरा हाथ उसके हाथों में दे देता, ऐसे भागने की क्या जरूरत थी। क्या पापा सच में आप आलोक को पसंद करते हो? सच में बेटा, एक बार मुझसे तो बात की होती। इसका मतलब पापा आप मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं बेटा नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ा दुखी हूँ कि तूने इस तरह से शादी की। अच्छा वैसे इस वक्त तुम दोनों हो कहाँ पर? पापा मैं यही पास में रजबपुर में हूँ। रजबपुर में? अच्छा बेटा, तो एक काम करो बेटा, तुम घर वापस आ जाओ। लेकिन पापा अब तो मैंने आलोक से शादी कर ली। बेटा तुमने शादी जो की है ना वो समाज की मर्जी से नहीं की है, पूरे गांव में लोग हमारे मुंह पर थूक रहे हैं। हम चाहते हैं कि
तुम वापस आ जाओ ताकि हम लोगों को जवाब दे सकें, फिर ना हम तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। सच में पापा? हाँ सच में बेटा, बस तुम एक बार घर वापस आ जाओ। ठीक है पापा, मैं कुछ ही देर में घर आ जाऊंगी और आलोक को भी अपने साथ लाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, दोनों साथ में आना। ओके ठीक है पापा। पापा सच में तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। हाँ बेटा तुम आ जाओ। हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या वो दोनों आने वाले हैं? यहीं पास के ही शहर में रजबपुर में है। रजबपुर में है ये? हाँ। चलो करते हैं इनका इंतजार फिर। तो एक काम कर, बच्चे आ रहे हैं इनके लिए दवाई तैयार कर ले। ठीक है रहेगी। दोनों अभी तक आए नहीं। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। अरे अरे वही देखो कौन आया है। और कोई परेशानी तो नहीं हुई में? नहीं पिताजी। देखो तुम्हारी बहन आई है। नमस्ते भैया। आ गए तुम दोनों? हाँ। चलो बैठो बैठो बेटा बैठो। पापा आपने हम दोनों को माफ कर दिया? अरे हाँ बेटा, मैंने तो फोन पर ही माफ कर दिया था तुम दोनों को। ठीक है पापा, आप भी बैठो। पापा मैं इतने इनके लिए नाश्ता लेके आता हूँ। आलोक बेटा, अगर तुम्हें ऐसे शादी ही करनी थी तो एक बार मुझसे बता दिया होता। मैं तो तुम्हें वैसे ही पसंद करता हूँ। मैं तो खुशी खुशी तुम्हारा हाथ आरती के हाथों में दे देता। ऐसे भागने की क्या जरूरत थी? अंकल जी मुझे बहुत डर लगा। मुझे लगा अगर मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा तो आप कहीं हमें कुछ कर ना दें, इसलिए मैंने आपको ये सब नहीं बताया। कोई बात नहीं बेटा, ये लो दूध पियो। लेकिन भैया बस हमारे लिए, आप दोनों नहीं पियेंगे क्या? अरे बेटा हम सुबह पी चुके हैं, तुम दोनों थककर आए हो इसलिए तुम्हारे लिए। लो अभी तो नाश्ता किया हम दोनों ने। लाओ मुझे। कल जी मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आरती को बहुत खुश रखूंगा। हम उम्मीद करते हैं बेटा तुमसे यही। क्या हुआ? थोड़ी घुटन हो रही होगी, है ना? चलो बहुत दर्द हो। हाँ बेटा अब जहर पिलाया है तो कुछ टाइम दर्द भी होगा। आ रहा है ना मजा? बस थोड़ा सा दर्द होगा, उसके बाद तुम दोनों को आराम मिल जाएगा। आराम चाहते नीच? हमारी नाक के नीचे से तो हमारी बेटी को भगा कर ले जाएगा दो कोड़ी के इंसान, और हम तुझे ऐसे ही जाने देंगे? पूरे गांव में तूने हमारी नाक कटवा दी। तूने एक बार भी सोचा? साले कितना भरोसा करता था मैं तुझ पे, दोस्ती के नाम पर गद्दार। तुम दोनों हमारी इज्जत से खेलोगे, हम आंख बंद करके देखते रहेंगे? पापा अब आप ही बताओ कि इन दोनों क्या करें। करना क्या है, जाकर गाड़ दो हमारे खेत में इनकी लाश को। और हाँ किसी को कानो कान तक खबर नहीं होनी चाहिए। पापा अभी तो दिन है, इन्हें ना रात में गाड़ते हैं वरना कोई देख लेगा। ठीक कहा, और वैसे भी गांव वालों की नज़रों में भानु प्रताप की लड़की इस लड़के के साथ भाग चुकी है, और घर में आते भी नहीं, किसी ने भी देखा नहीं है। अभी दिन है, रात को इनकी बॉडी को खेत में गाड़ देंगे। चलो निंदा रखो। ये करेंगे आरती।